करनाल में नेशनल हाईवे 44 पर कुटेल के पास दो जगह हादसे हो गए। इन हादसों में कई वाहन आपस में भिड़ गए। इन वाहनों में गाड़ियां, बस, ट्रक सब शामिल हैं। ये हादसे दो जगह हुए। एक जगह 4 से 5 वाहन आपस में भिड़े तो वहीं दूसरी तरफ 5 से 6 वाहन आपस में भिड़े। ये हादसा चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क पर हुए। इन हादसों में गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी चला रहे लोग इन हादसों में घायल हो गए। इस सीजन की ये पहली धुंध है और उसी के साथ ये बुरी खबर अलग अलग जगह से आई कि हरियाणा में हादसे हो गए। फिलहाल हादसों की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को फर्स्ट एड दिया गया। साथ ही क्रेन को बुलाया गया ताकि हादसे में आपस में भिड़े वाहनों को साइड किया जाए ताकि और वाहन आपस में ना भिड़े। गनीमत की बात यह है कि इस हादसे में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई, सभी सुरक्षित हैं। आराम से साइड पे जगह गाड़ी निकलने की थी, मैं गाड़ी निकाल रहा था, बहुत स्लो मैं या करके 20 स्पीड पे हूँ, ज्यादा स्पीड नहीं थी मेरी, स्पीड पे निकल रहा था, पीछे ट्रक ओवर स्पीड पे आया, उसे कंट्रोल नहीं हुआ, उसे सीधा गाड़ी मारी है जी। गाड़ी में मारा ट्रक को, साइड पे लगाया, पुलिस वालों को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए। अच्छा जी, ट्रक पहले वहाँ खड़ा था, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ है। ट्रक आगे लगवाया गया, मौका देखा वो फरार हो गया। मैंने वहाँ सामने 112 वालों को बोला कि ऐसे वो ट्रक खराब हुआ है, उन्होंने आगे कंट्रोल रूम में बोल रहा भाई अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वहाँ रुका है नहीं रुका। तो हादसे की जगह नहीं थी, ओवर स्पीडिंग, धुंध भी है काफी, धुंध इतनी नहीं थी, विजिबिलिटी जितनी अभी दिख रही इतनी विजिबिलिटी थी, सुबह भी काफी वाहन चुके हैं। मेरा सिर्फ मेरे साथ मेरे ही एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मेरा की गाड़ी नहीं थी। क्या नाम है आपका? नाम क्या होया ये सर? सुबह धुंध की वजह से रात का ट्रक ये पलटा हुआ था यहाँ पे, और पीछे एक ट्रैक्टर दो ट्राली के साथ आ रहा था, उसको ये दिखा रही ब्रेक लगाई और पीछे वाली ट्राली ना घूम गई बीच में हाईवे के बीच में, उसी वजह से एक्सीडेंट हुआ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? उसी तरह से रोहतक जा रहे थे। रोहतक जा रहे थे, कितना नुकसान है? नुकसान सर काफी हुआ, 15-20 गाड़ी ठुकी है, कुछ तो चली गई है, कुछ तो होकर के चली गई है, भी काफी थे, लेकिन हमारी गाड़ी को ज्यादा डैमेज हुआ, काफी डैमेज हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा गुरप्रीत नाम है। मेरे ख्याल में 10 फुट का 5 फुट का आदमी भी नहीं रहा यहाँ, इतने ज्यादा कोहरा था, इतना कोहरा, बहुत ज्यादा कोहरा था, कोहरे की वजह से एक्सीडेंट, कोहरे की वजह से होया जी। काफी वाहन ठुके हैं, काफी वाहन थे, बहुत ठुकी है, कटाई कटाई एकदम, मतलब इतना ज्यादा खुड़को आया था जी, गदा गदा। मेरे ख्याल में 10 वाहन मिले आपस में। क्या नाम है आपका? मेरा हरिओम शर्मा जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं यहाँ ग्राउंड से करनाल जा रहा था जी। कितने वाहन तक आए? ये आज सुबह हुआ है, धुंध की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी सारी 8-10 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। कोई घायल थे? हाँ, जिनको चोट लगी उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया था। कहाँ पर हुआ आपसे? ये कुटेल फ्लाईओवर के पास हुआ। काफ़ी वाहन टकराए हैं? हाँ, 8-10 वाहन टकराए हैं। तो घायल उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया था। हमारा सर 8,050 रुपये है, मानते जो उसमें हमारा जो कार्ड में है वो है, लेकिन कुछ का 77 भी है, कुछ का 74 भी है, सबका अलग अलग है, ट्रेड वाइज है सर। एम साहब ये बोलते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी बजट आएगा तब हम पैसा देंगे, हम आपको अपनी सैलरी में से देने दे रहे।